वेलकम टू मैथ क्लास चैनल। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है, इन द गिवन फिगर, इस फिगर में जो ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी, तो हमने क्या करना है, लेंथ फाइंड करनी है साइड ए बी की, जो ए बी है ठीक है, इसकी जो है हमने ना लेंथ फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्या राइट करते हैं कि बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या है, पहले तो यहाँ पे ये राइट कर लेते हैं कि मेजरमेंट जो ए बी है ना हमारे पास, ठीक है, लाइन सेगमेंट ए बी किसकी इक्वल है, एक्स के। यहाँ पे ये राइट कर लिया, फिर बाय पाइथागोरस थ्योरम थ्योरम फिर हमारे पास क्या आना है, यहाँ पर वैल्यूज राइट करते हैं कि ए की वैल्यू क्या है, हेंस ए इक्वल है 5 सेंटीमीटर के, बी की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर, और जो सी है हमारे पास वो क्या है, एक्स के इक्वल है। कैसे एक्स के इक्वल है, हमारे पास ये होता है कि ए बी सी इस तरह से कैपिटल है ना, ए कैपिटल के सामने उसकी वैल्यू होती है ए स्मॉल की, फिर बी जो है कैपिटल है उसके सामने यहाँ पर वैल्यू होती है बी स्मॉल, सी यहाँ पर कैपिटल है उसके सामने वैल्यू होती है इधर सी साइड की सी स्मॉल, तो सी है यहाँ पर और वो किसकी इक्वल है, एक्स के, बिकॉज हमें नहीं पता, हमने यही तो फाइंड करना है कि क्या यहाँ पर है लेंथ। फिर हम क्या करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास ये होता है सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके, ये पाइथागोरस थ्योरम है। तो अब हमने क्या करना है, इसमें हमने ये वैल्यूज को पुट कर देना है, सी है तो सी की वैल्यू क्या है, एक्स है, तो मैं यहाँ पर क्या पुट कर दूँगी, सी की जगह एक्स, और सी के ऊपर स्क्वायर है तो एक्स के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल टू ए स्क्वायर है तो ए के ऊपर मेरे पास क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, और ए के ऊपर स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा 5 के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर मेरे पास, प्लस बी स्क्वायर है तो बी की वैल्यू मेरे पास 12 है तो 12 बी के ऊपर स्क्वायर है तो 12 के ऊपर भी इधर स्क्वायर आ गया, फिर 5 का स्क्वायर हमारे पास 25 होता है और 12 का स्क्वायर 144 होता है, इनको ऐड करते हो तो हमारे पास क्या आ जाएगा 169। अब हमें जो एक्स स्क्वायर नहीं चाहिए, एक्स की वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट ले लेंगे और यहाँ पर लेंगे तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, एक्स यहाँ पर आ जाएगा, 169 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 13 आ जाएगा, बिकॉज ये परफेक्ट स्क्वायर होता है, एक्स इक्वल टू 13, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 13 आ गई। सो हमने क्या बोला कि मेजरमेंट एंगल, मेजरमेंट लाइन सेगमेंट जो ए बी है वो एक्स की इक्वल है, सो हम यहाँ पर बोलेंगे कि एक्स 13 है तो ए बी जो है वो मेजरमेंट, ए बी जो लाइन सेगमेंट है वो हमारे पास क्या है 13 सेंटीमीटर के इक्वल है, सो भी राइट कर लो यहाँ पर, ओके क्लियर हो गया। तो ये लाइन सेगमेंट जो है हमने फाइंड करनी थी, जब भी आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो ना, यहाँ पे ये भी गिवन हो, ये साइड की भी लेंथ गिवन हो, इसकी ना गिवन हो, तो फिर आपने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना और उसके थ्रू आपको जो थर्ड साइड है उसकी जो है लेंथ वो भी फाइंड हो जाएगी। होप सो अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।